इतना काला पड़ गया, देखो रगड़ गया ये, देखो नया वाला बकाला खुल गया है। और इस तरफ गरम गरम बन रहा है पिज्जा। ओहो जलेबी देखो एकदम गरम गरम ही निकली, साथ में समोसा रखा है। ओ भाई ये तो सुबह का पराठा हो गया, गरम गरम ये निकला पराठा आलू वाला। ये है पूरा इशारा सिद्दीन, देख लो ये चौराहा, ये सीधा रोड मस्जिद अल हरम जाती है और इस तरफ जद्दा जाती है। जद्दा सीधा जाएंगे तो इशारा मंसूर आए, उससे पहले जो है मैंने नई घड़ी लिया था ये, तो इसकी जो है दो कड़ी निकलवा रहा, वहाँ पे घड़ी की दुकान है, इशारा चालू हो गया। ये है घड़ी की दुकान, आ गई है हो गया। अब देखो लग गई, अब एकदम फिट आ गई है। कैसी लग रही कमेंट करके बताओ जल्दी से आप लोग। चलते अब यहाँ से इस तरफ, देखो पूरे बिल्डिंग का काम चल रहा है गाइस। कुछ सालों बाद देखना यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और सामने जमजम टावर, हर जगह से अलग अलग दिखता है, जैसे इधर से पतला दिख रहा है, कहीं और से देखो कुछ चौड़ा दिखेगा, अभी यहाँ से पतला दिख रहा है। इसी को कुबरी मंसूर बोलते हैं, ये इशारा मंसूर है। ये कुबरी का मतलब पुल को कुबरी बोलते हैं यहाँ पर। यहीं से यूटर्न लेके सीधा चलेंगे इशारा से तीन तरफ, स्कूल का समय हो गया है। टिकटॉक पे प्रोजेक्ट देखा है ना जिस पर काम चल रहा है, यही पूरी लाइन है जिस पर काम चल रहा है। अभी पूरा टारगेट है 2030 तक, 2030 तक में एकदम नक्शा बदल जाएगा मक्के का। फाइनली स्कूल पहुंचने वाला हूं, 10 मिनट लगा यहां तक आने में क्योंकि रास्ते में जाम मिल गया था, पहुंच गया। ये सामने रहा, छुट्टी होने में 10 मिनट पूरा बाकी है, उसके बाद रूम पर जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, अगर नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे क्योंकि रात में देर में सोया था, यानी कि आप ब्लॉग में देखे होंगे मेडिकल स्टोर से दवा ला के दे दो। अभी भी पूरी पार्किंग फुल हो भाई, मुझे ना मिलेगी लगता है। हाय हाय, एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि गाड़ी खड़ी थी मदरसे में और जो है मेरी गाड़ी मेरी गलती ये थी कि थोड़ा सा बाहर खड़ी थी, बस वाले ने देखा नहीं, उसने मार दिया गाड़ी में, ब्लैक पड़ गया। आपको दिखाते हैं, ये देखो थोड़ा सा बच गया, ऐसे मारते हुए निकला है, इतना काला पड़ गया देखो, रगड़ गया ये, मारते हुए निकल गया। इसको ठीक करेंगे, ब्रेक ऑयल लेंगे, टिश्यू पेपर से मारकर साफ हो जाएगा इंशाल्लाह, पता नहीं चलेगा। और मैं सोचा पुलिस को बुलाऊं, लेकिन दोस्त लोग कह रहे थे कोई फायदा नहीं ना, पुलिस वाला आएगा तुम्हारी गलती निकालेगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी जो है ना गलत खड़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा बाहर खड़ी थी, मेन पार्किंग में नहीं खड़ी थी, इस वजह से। अभी हम जा रहे ब्रेक ऑयल लेने के लिए, कौन यहीं से लेते हैं, पहले भी ले गए थे यहाँ पर, ब्रेक ऑयल ही मिलेगा, सर्विस होती है यहाँ पर गाड़ी की। ये ब्रेक ऑयल है, मैंने पहले भी इसको लिया था, इससे साफ हो जाता है, टिश्यू पेपर से लगाएंगे इसको, मंदिर बोलते हैं। देखो देखो पहले से तो कुछ सही हो गया है, साफ हो गया, बस ये जो है रंग ज़्यादा छूट गया, इस वजह से नहीं गया। अभी तो पहले से तो ठीक हो गया है, साफ हो गया एकदम। ये है कि आगे से जो है चाहे जितना टाइम लगे गाड़ी को सही खड़ी करना है, चाहे दूर खड़ी करना पड़े गाड़ी। रूम पर चलते हैं, जोहर की नमाज का समय हो गया है। मैंने सुबह से व्लॉग नहीं शूट किया, हमने का रोज तो शूट करता हूँ सुबह से, कभी दोपहर से भी कर लेते हैं। रूम पर चलते हैं। 6 hours later. और अभी शाम के 6 बज गए हैं, जस्ट दोपहर से जाके अब निकला हूँ। दोपहर में मैंने खाने में बनाया था दाल और रोटी, अंडे का आमलेट साथ में, खाना खाए तो 1-2 घंटा हो गया मुझे। दोपहर का भी मजा लेते हैं, मौसम काफी अच्छा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे उस तरफ। ये जो है पाइप फटा है, आज 2-3 दिन से यहाँ पे पाइप फटा है, पानी बह के वो वहाँ तक जा रहा है, आगे पाइप फटा है, आगे दिखाते हैं आगे चल के। वो यहाँ पे पाइप फटा है, ये साफ पानी है, ये बलदी वाला साफ पानी, गंदा नहीं ना, एकदम साफ पानी है, बह के बहुत दूर तक जा रही है। अभी बलदी वाले की नज़र नहीं पड़ी है, पानी यहाँ पे बहाना मना है, मगरिब की अजान होने लगी है। The next day. धूप निकल आई काफी अच्छी वाली, ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गई है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्कूल, चलते पहले तेल डला लेते हैं। और ये आ गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल भर रहा है अभी। जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं ना वर्कर है, ज्यादातर मैंने बंगाली देखा है, पाकिस्तान के भी होते हैं, केरला के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने बांग्लादेश के देखा है। ड्यूटी होती है 12 घंटा टोटल, यानी कि अगर सुबह 6 बजे आए ना तो शाम को 6 बजे जाएंगे। ओवर टाइम का पता नहीं ना, मैंने पूछा था कैसे ओवर टाइम नहीं ना, रूम एकामा सब कंपनी का है, खाना पीना अपना है, जितनी सैलरी नहीं पूछा किसी से, सैलरी नहीं पूछना चाहिए कितनी है। इस पेट्रोल पंप का नाम है महत्ता अल नसीम, महत्ता यानी पेट्रोल पंप। इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाए फॉलो करें। आपके मन में कोई सवाल है अपने भाई से पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। ये आ गया स्कूल, कल यही बस ने मेरी गाड़ी जो है
कितना टाइम लगेगा छुट्टी होने में, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। गाइस अब जाग निकला हूँ दोपहर से, रूम से निकला ही नहीं, मतलब शाम को भी नहीं निकला, रूम सफाई कर रहा था आज, जस्ट अभी निकल रहा हूँ, जा रहे हैं अरीका लेने के लिए। आगे दुकान फाइनली ले लिया, ये रहा रूम पर, मैंने सोचा मैं भी ले लूँ यार, मेरा पेट भरा अभी। गाइस अरीका तो दे दिए लेकिन मुझे ये थमा दिया, जाओ प्रेस करा के लाओ, इसको अशुमाक बोलते हैं अरबी में। अस्सलामुअलैकुम। हाँ मुदीर के फाल। हाँ मटा भाई, गजब बेइज्जती है। पहले सर पे पहन के आया, अब हैंगर में टांग के जा रहा हूँ। तो निकलो निकलो। गाइस ये देखो नया वाला बकाला खुल गया है, ओपन हो गया अभी, इसमें ऑफर चल रहा है, पिज्जा खाते हैं आज यहाँ से लेके, इसमें बेकरी भी है, पिज्जे भी मिलते हैं भी है। चले अंदर। और ये हम आ गए अंदर, इस तरफ बेकरी बनी है, बहुत सारे पापा बिस्कुट रखे हुए हैं बने हुए, और पिज्जा मेरा रेडी हो रहा है, मैंने बोल दिया। ये इस तरफ केक रखा है चॉकलेट वाला, और इस तरफ जो वेजिटेबल सब्जी की दुकान लगी हुई है, 10 मिनट के अंदर मेरा पिज्जा रेडी हो गया। अब चलते हैं यहाँ से लेकर बाहर, आज इसका फर्स्ट दिन है, बाकी ऑफर नहीं ना, नया है, भीड़ लगी यहाँ पे, वैसे भी लोग जब कोई नई दुकान खुलती सऊदी ज्यादातर वहीं जाते हैं पहले, क्योंकि ऑफर भी मिलता है। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा पिज्जा, अब चल के देखते हैं टेस्ट कैसा है पिज्जे का। ये रहा पिज्जा, ओए होए होए, छोटे को सगीर बोलते हैं और बड़े को लार्ज, बड़े को कबीर बोलते हैं, साथ में केचप। अब टेस्ट करते हैं खाने में कैसा है। ओए होए बिस्मिल्लाह। गाइस खाने में भी अच्छा है। पहली चीज ये काले काले ना, इसको बोलते हैं जैतून, जैतून इसी का तेल होता है, ये भी जैतून है लाल वाला, और ये टमाटर है, ये शिमला मिर्च है, और बाकी सब चीज़ है। इंडिया में जब मैं पिज़्ज़ा खरीद के खाया था मैं प्याज डाला था, यहाँ पिज्जे में प्याज नहीं डालते, पीला वाला भी शिमला मिर्च डाला इसमें, ये देखो ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच गाइस, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।